आज अंजन इस्लाम इस्लाम के मातहत शहर के तमाम जमातों के जिम्मेदार सदर और सेक्रेटरी अंजन इस्लाम जिला की जानी से आपका तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। आज आप हजरात बुलाने का मकसद सबसे पहले तो कुर्बानी के ताल्लुक से किस तरीके से आज हालात उसके मुताबिक जो है आपके सामने तफसीली बात आएगी। अहम मौजू जो है हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी उसके मुताबिक आप जमान वालों के सामने कुछ बात आएगी। उसके बाद मौजूदा हालात पर आपके सामने कुछ रोशनी डाली जाएगी। इसका बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है, दुनिया में भी इसका सिला मिलने वाला है और ये कोई दिखावे की रियाकारी की चीज नहीं है कि हम इतना जानवर लाए हैं, इतने पैसे का लाए हैं, हम उसको ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में शोहरत को दिखावे को कोई जगह नहीं है, बल्कि शोहरत और दिखावे को सब जो है उसको मायूस समझा गया है और यहाँ तक फरमाया गया है कि जो शोहरत का लिबास पहनेगा कल उसको जिल्लत का लिबास पहनाया जाएगा। तो इस्लाम में दिखावे को कोई जगह नहीं। आज जो कुछ हालात हमारे ऊपर आए हैं, इन हालात में जो सूरत हाल समझ में आती है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे मजहबी उमूर को, हमारे दीनी उमूर को इस तरह दीन ने इस्लाम ने हमें तालीम दी, तरबीत दी थी, हिदायत दी थी, उन हिदायत और तालीमात को हमने बालाए दाम रखा और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का जो है इंतजाम किया, जिसकी वजह से सूरत हाल आज इंतहाई संगीत बन गई है। इसमें हम पूरे पूरे जिम्मेदार हैं, हमने इस्लामी तालीमात की हकीकत को नहीं समझा, दूसरी कौमों की तरह से एक रस्मी चीज समझ लिया है, ये तकरीर चीज है और ये खत्म होने वाली चीज नहीं। इंशाअल्लाह सुबह कियामत तक कियामत जारी रहेगा, दरमियान में कुछ हालात आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम ने इस सिलसिले में हमारी पूरी पूरी रहनुमाई फरमाई है और यहाँ बैठे हुए हजरात भी इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आपकी जो रहनुमाई करेंगे, तो आज ये जो जानवर का जो ज़िबह करने का जो अमल है वो बहुत ही ज्यादा मुकद्दस अमल है, इसमें रियाकारी को दखल नहीं होना चाहिए, फजूलियात को दखल नहीं होना चाहिए, इसराफ को दखल नहीं होना चाहिए, दिखावे को दखल नहीं होना चाहिए, इसी तरह से मुकाबला आराई को दखल नहीं होना चाहिए, किसी की दिल आजादी को दखल नहीं होना चाहिए, किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचने को दखल नहीं होना चाहिए। इस्लाम इन तमाम चीजों की जो है मजम्मत करता है। यकीनन सारी जमातों के जिम्मेदार यहाँ इकट्ठा है। कुर्बानी की अदायगी के सिलसिले में हालात इतने पेचीदा हो गए हैं, कदम कदम पे मुसलमानों को डर लगने लगा है, हर घड़ी हर लम्हा कौम को डराने की कोशिश की जाती है और अब ऐसा लगता है कि कुर्बानी हकीकत के एतबार से मुसलमानों की कुर्बानी सिर्फ ऐसा नहीं कि चंद रुपये किसी इदारे में जमा कर दिया कुर्बानी हो गई। आखिर ये कुर्बानी को अंजाम देने वाले इदारे वो आप ही के नुमाइंदे हैं, आप ही के दरमियान के जिम्मेदार लोग हैं, उनको डर लगने लगा है, जानी माली हर तरह के खतरा हमारी कौम कुर्बानी के ताल्लुक से पेश है। लेकिन ये भी सही है, कुर्बानी हमारा दीनी शियार है, वाजिबात इस्लाम में से है, इस्लाम के वकार की अलामत है, इसी बुनियाद पर हम कुर्बानी को तर्क भी नहीं कर सकते। अब बीचों बीच की राह शायद यही हो सकती है कि हम कुर्बानी जरूर करेंगे लेकिन दुश्मनान इस्लाम हमारे मुखालिफिन जिन रास्तों से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिन रास्तों से हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन सवालों को लेकर वह हम पर पाबंदी लगाने या मसाई को आलाम मुसीबतों के पहाड़ तोड़ने के लिए बेताब है, चालाकी और होशियारी यह होगी कि हम उन रास्तों से परहेज करें। यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, इन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है शहर को सही रास्ते पर लेके चलना, नौजवानों को राह दिखाना और ऐसी सूरत कुर्बानी के मामले में क्या क्या करना और क्या नहीं करना है, थोड़ी बात को समझा दो। ये कानून है कर्नाटक का कि आप सिवाय भैंस के जो उम्र में 13 साल से ज्यादा है उसके कोई जानवर जबा नहीं कर सकती है कैटल के पेटी की। उसका मतलब गाय बैल जो पहले जब दिया करते थे वो अब जबा नहीं होंगे, अब कुर्बानी में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ भैंस 13 साल से उम्र ज्यादा, वो भी वेटरनरी डॉक्टर की सर्टिफिकेट ले करके उम्र की और उसके मौजूदगी में आप कुर्बानी करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे करना उसका एक कायदा है, इससे परमिशन लेना, कैसे टाइप की गाड़ी रहना, कहाँ भी कहाँ आप नहीं जा सकते, वो भी एक अलग कायदा है। जो जगह पे अगर ये कानून के बाहर कोई जानवर जबा किया जाता है तो जगह सरकार को सीज होती है। ये कायदा मैं पढ़ के आगे आपको समझा रहा हूं। और 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना, ये पहले फर्स्ट ऑफेंस है। सेकेंड ऑफेंस में 7 साल की सजा और 5,00,000 रुपया जुर्माना। अब पहले जब हम करते थे इज्तिमाई कुर्बानी हुए हुआ करती थी हर गली में मोहल्ले में, अभी हाल ही परसों आपके एमडी मार्केट के एरिया में 50-60 जानवर किसी ने लाए थे, वो पूरे सीज भी हो गए, 2 लाख रुपया दैन भी हुआ, केस भी हुआ है, बाकी कभी केस का क्या अंजाम होता है मालूम नहीं, उसका अपील सिर्फ सेशन कोर्ट में बात होता है, एसपी को बात। तो हम अब क्या करें, कैसे करें और कैसे अपने आप की हिफाजत करें और अपनों की हिफाजत करें, ये बहुत ही बड़ा मसला है। ये आमतौर पर ऐसे हम पब्लिक में बात करके इसके फैसले नहीं कर सकते, तो मोहल्ला वाले या दो चार मोहल्लों में जा करके बैठ के बात करके आपस में इसको सुलझा सकते। कुर्बानी देना तो वाजिब है, करना ही है तो करना ही है, लेकिन वतन के कानून के दायरे के अंदर, या तो फिर ये बेरहम जालिम हुकूमत जो आज के दौर में चली है यहां पे हर मौका नहीं मिलने से मौका बना करके, जैसे कोविड में हुआ और सारा इल्जाम जमातों पे लगाने की कोशिश की गई, तो ये कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ करके एक इल्जाम लगा करके हमारे सर पे ये बोझा रख के औरों के सामने बहुत बड़ा काम करने से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी कामों में तो ये नाकामयाब रहे हैं। बाकी काम का मतलब हम सब मोहल्ले वाले हैं लोग, यहाँ पे ज्यादातर एक मोहल्ले में आज एक लाइट का बल्ब लगाना मुश्किल हो गया है, बहुत से यहाँ पे रियल एस्टेट वाले भी हैं, मकान बांधे हुए भी हैं, मकान बांधने की कोशिश कर रहे हैं, रोड की हालत, गटर की हालत, लाइट की हालत, स्कूल की हालत सब हम देख रहे हैं, पिछले 5-7 सालों से 8 सालों से चला है ये मामला। अब 2-3 बातें, सबसे पहले तो आप उसी जो इख्तलात है उसको हम खत्म करें अगले 25 साल के लिए, जो भी झगड़ा है उसको डीप फ्रीजर में डाल करके 25 साल के लिए, 26वें साल से आप अगर झगड़ा करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 25 साल तो कम से कम मिल के रहना ये बहुत जरूरी है, ताकि 2 पीढ़ियाँ इसमें से निकल जाएंगी और तीसरी पीढ़ी को आदत पड़ जाएगी मिल के रहने की। जो बातें जो तरीके का शहर हमारे बड़ों ने हमारे लिए छोड़ के गए थे, वैसा शहर छोड़ के जाने में हम शायद हमारी पीढ़ी जो है वो नाकामयाब रही, उसके वजह बहुत है, बहुत सी बातें हैं वो फ्यूचर में हम बात नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये जो रूल बुक है, रूल्स है,
की कॉपी अगर चाहिए तो आप अंजुमन में आके ले जाएंगे या तो पहुंचा देंगे आपको। लेकिन एक बात है, व्यापारी जो हमारे कुरेश भाई है, उनका ये साल भर का धंधा है। साल भर का आपके दसवें धन का अनाज उसे पहले बचाने की कोशिश करें। जहां तक कुर्बानी का मामला है, वो किस तरीके से इसमें से पान रहे, अब जानवर महंगा होगा क्योंकि एक ही किस्म का जानवर आपको यूज करना है, जाहिर है कि महंगा होगा, रेट बढ़ जाएगा। और जो साहब है ऐसे ऐसे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बकरे की कुर्बानी देने की कोशिश करें और ये जो आम जानवर जो सस्ता है उससे वो अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ दें, ताकि उतना भी रेट ना बढ़े कि उनके हैसियत से बाहर चला जाए, उनके आज के अखराजात से ज्यादा हो जाए। ये आपस में मिलजुल के बैठ के एक दूसरे का दर्द पहचान के, एक दूसरे की जरूरत को समझ के, एक दूसरे के हमदर्द बन के अगर हम जियेंगे बाकी जिंदगी, तो कुछ तो खुशी आपस से मिलेगी, अपनों से मिलेगी, वो ही खुशी के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये दुश्मनों के जुल्म के बीच में आपस में भी अगर हम झगड़ते रहेंगे छोटी छोटी बातों पे या नहीं हुई वो बातों को लेकर के, अपना झंडा थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए, अपनी एक तस्वीर कहीं कैमरा में आने के लिए, अगर हम ये छोटी 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 बातों पर झगड़ते रहेंगे तो हम जहां हैं उसे और भी पीछे चले जाएंगे। अगले आने वाली पीढ़ी को, अगले बच्चों को एक अच्छा मौका, एक अच्छा शहर देने की हम कोशिश करेंगे। आपका साथ रहेगा तो हम भी साथ रहेंगे आपके, यही कोशिश हम सबकी हो, यह दुआ है। हमारे गुरुमा जो है बहुत फिक्रमंद है, मीटिंग भी हुई इस पर कुछ दिनों पहले, ऐसी ही बात एक शाही मस्जिद के बारे में हुई थी, कोई किसी ने उठाई थी, तो हम चाहते थे कमिश्नर साहब से वक्त लेकर के मुलाकात करके हमको समझाया है, उसके बाद में मामला थोड़ा ठंडा हुआ है। ये भी बात जो भी जाके आपको अल्टरनेटिव देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप आपको डिसाइड कीजिए कि 10-11-15 जाना चाहें। मैं खुद उनसे मिल करके थोड़ा वक्त आपके लिए मिला के आपको इधर से रिसीव करके आपकी बात सुन के उस पर आगे आपके कागज भेजे वैसे बंदोबस्त करने की कोशिश एक दो लोग को यहाँ से लेकर सामने करने की कोशिश करके मैं आपको एक दो चार दिन में अपॉइंटमेंट दिला के देने की कोशिश करता हूँ। बार बार जाके जब हम कम अक्कल वालों के बीच में, गैरतों के बीच में, दुश्मनों के बीच में बार बार जाके जब हम एक एक मेमोरेंडम देते हैं, तो जाहिर है कि आने वाले लोग पूछेंगे कि भाई क्या है, किस बात का मेमोरेंडम है, क्यों दे रहे हैं, क्या मामला है, किसने क्या कहा, क्यों कहा। तो ये क्यों कहा और क्या कहा कि दो चार पहलू अलग अलग हो सकते हैं, जहाँ ऐसे ना हो कि हमारी वजह से शाम में गुस्सा की ज्यादा बढ़ रही है। हमें बहुत एहतियात से रहना पड़ेगा, बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा और बहुत समझदारी से समझाना पड़ेगा हमारे नौजवानों को, क्योंकि आगे चल के भी आपकी जिंदगी में भी ये बात वाक्य आते रहेंगे 25-50 साल के बाद में, तो आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से आपको ये मामलों को हल करना है, ना कि वो सिर्फ नारों से। मैंने कहा था बीच में जब ये शाही मस्जिद की बात निकली कि भाई आप चाहते हो कि हम रोड पे आए, आप चाहते हो कि हम नारेबाजी करें, आप चाहते हो कि हम पत्थर कर मारें, हम नहीं मानेंगे, हम आपके जुल्म का जवाब मोहब्बत से देंगे। और मामला बंद हो गया है, क्योंकि वो जानते थे वो हम करने को तैयार नहीं है। ये मेरी अपनी बात नहीं थी, मैंने कोई बहुत बड़े आदमी की बात सुनकर के इधर हो गया था और मुझे लगा कि सामने वाले को कहने के लिए हमें बहुत कम जगह छोड़ी है, बाकी जो तालमेल है वो करने दीजिए, उनको हम तैयार हैं उसके लिए। ऐसे वक्त रहेगा हमेशा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। और अगर हम एक मुसलमान लाख मुसलमान बन करके जीने सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत दुनिया में ऐसी है कि हमें और पीछे रख सकती है या पीछे खींच सकती है। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तहजीब, सही रास्ते पर चलने की अगर हम उनको नसीहत देते हैं, उनको इल्म देते हैं और आदमियों की बात सुनकर के बड़े होकर के अच्छे नागरिक बनने की भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इतना महान आएगा आगे चल के। कहीं ना कहीं ज़्यादा छूट मिली है तो कुछ ना कुछ हो गया है, और सामने दुश्मन को मौका मिला वो अलग बात। रही बात
इदारों की, इदारे सभी जितने भी है बेलगाम शहर में, हमने देखा फ्लड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, नौजवान हमारे मदीना फाउंडेशन हो या अलग अलग अभी तरह हो, बहुत बहुत ही जो सही इस्लामिक टीचिंग्स है और तरीका है उससे चल करके औरों के काम आए ही हैं, सबके काम आए हैं। और जहाँ गैरों में एक हल्का एक मेजॉरिटी लोग हैं वो मानते हैं और कबूल करते हैं कि मुस्लिम बच्चे माओ के बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पब्लिक लोग बोल सकते नहीं क्योंकि उनके ऊपर फिर अलग नमूने का एक्शन शुरू हो जाता है ये जालिमों के दर्द से। तो खामोशी से जहाँ जहाँ बोलना है बोलते ही है, तो हम उतना कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों को एनकरेज करेंगे आगे चलकर भी अच्छा काम करें, हर हमेशा अच्छे काम में एक दूसरे से मिलकर, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपको मुझे राजी नहीं करना है या मुफ्ती साहब को राजी नहीं करना है, आपको अल्लाह को राजी करना है और उसके तरीके और उसका जो आपको मिलेगा सवाब का जो भी रिवॉर्ड मिलना है वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी इस्तेमाली अगर कुर्बानी आपको करना है तो बाकायदा परमिशन लीजिए, बाकायदा जो जिम्मेदार है वो उमर है, वेटरनरी डॉक्टर है, उसका प्रेजेंस है, वो जिम्मेदारी लेकर के अगर कर सकते हैं आप तो कीजिए, नहीं तो फिर बाकी हम भी पूछताछ करेंगे क्या तरीके से इसको आगे ले जाए और आपके बीच में आके चार पाँच मोहल्लों में एक एक टाइप का कुछ इंतजाम करके देने की कोशिश करेंगे। तभी तक तो आज नहीं हो सकती कि भाई आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, काफ़ी टाइम है हमारे पास, अब भी टाइम है, वक्त है, वो वक्त जाया किए बगैर। रही बात अंजुमन की, अंजुमन के बायलॉज 2020 में ही भेजे गए थे अप्रूवल के लिए, फाइल में ऐसे ही रह गए थे, मैं गया था बैंगलोर में पहले जाकर के उनकी नज़र उस पर डलाया, समझाया कि भाई ये बायलॉज हैं जैसे आप मॉडल बायलॉज कहते हैं उसको अप्रूव कीजिए। लास्ट बोर्ड मीटिंग में उन्होंने अप्रूवल भी दिया है और कोशिश रहेगी कि अंजुमन के इलेक्शन हो, आप में से बहुत सारे लोग हिस्सा लेकर के। ये इंस्टीट्यूशन मुझे याद है जब फाउंडेशन डाला गया था इसका 1977 में, मेरे वालिद मरहूम शेर साहब थे, अली शेर साहब को दावत थी बेलगाम शहर में, आज से वो 45 साल पहले की बात है। मैं चाहता हूँ कि ये इदारा अगले 400-500 साल तक ऐसे ही फूले फले तरक्की करें। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम और होने हैं और आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर, आपके सपोर्ट के बगैर, आपकी दुआओं के बगैर ना अंजुमन चल सकता है ना हमारी शहर चल सकती है। आप सबका शुक्रिया अदा करने का मौका मिला है आज मुझे, मैं और मैं हॉस्पिटल में थे तो हमें पता चला कि बहुत से लोगों ने दुआएं की हमारे शहर के लिए, 20-25 दिन हॉस्पिटल में था मैं कोविड से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, आपके जवानों का, लड़कियों का, साथ साथ जलवा चिकित्सा में विवाद से ऑपरेशन था वो भी वेंटिलेटर थे काफ़ी दिन, उनके लिए भी बहुत सी दुआएं थे। आप आपके सामने हम दोनों शहर बंद है, आपके शुक्रगुजार हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि हर हमेशा हर एक के लिए हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें और दुआओं करने के लिए कंडीशन ना डालें। हम सब एक ही हैं, सब मुसलमान हैं, आप सबका अलहमदिल्ला है। जो कुर्बानी शायर इस्लाम है, इस्लाम की निशानी है, अजमत है इससे, तो ये हर हाल में करना है, करना ही है। जैसे कि अब कहा गया है कि हमारे ईमान और अकीदे में भी बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसको हल्के में ना लें। किस किस अंदाज में दुश्मनान इस्लाम हमारे अकीदों को बर्बाद करने के लिए कैसी कैसी बातें आजकल के जो प्रिंट मीडिया वगैरह है उसके जरिए से, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उसके जरिए से फैला रहे हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान रखते हुए अब कई लोगों ने सवाल किया कि हजरत जब ऐसे हालात आ रहे हैं
और मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है कुर्बानी का इंतजाम करना। क्यों ना कुर्बानी के पैसे किसी मुस्तहिक को देकर दे दिया जाए। जो बड़े अहले इल्म हज़रात हैं इसकी नज़ाकत को और इसकी अहमियत को इसकी अफादियत को जैसे आपने समाप्त फरमाया ये शायर इस्लाम जो है इसको जानते हैं वो समझ जाते हैं कि ये दुश्मनान इस्लाम का छोड़ा हुआ शोशा है। मगर जो नौजवान है वो फौरन जो है नहीं इसकी तरफ मायल हो जाते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। कुर्बानी में भी यही होता है कुर्बानी करते हैं गोश्त मुस्तहिकीन को तकसीम करते हैं रिश्तेदारों को तकसीम करते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यही मकसद जब इस अंदाज में पूरा हो रहा हो तो क्यों ना जो है पैसे ही दिया जाए। मगर याद रखिए मुसलमान किसको कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म पर सरे तस्लीम खम करे अल्लाह के हर कानून पर अपने सर को झुकाए भले उसके रूज असरा हमारे समझ में आए या ना आए रब तबारक ताला का जिस तरह से जैसे हुक्म है वो हुक्म को वैसे ही अंजाम दे जो रब तबारक ताला का मंशा है वरना हुक्म उसका हो और मंशा हमारा तो रब की बारगाह में ये अमल काबिले कबूल नहीं होगा। पहले रोज जिसके बीजेपी की सरकार ने स्वीकृति की उसी रोज के अटैक लेके आ गए। उसके बाद नौ जिहाद का मामला चालू रहा। अगर इंटरनेशनल होती है तो जाके डीसी पर एप्लीकेशन देगा जाके पूछना वो खत्म नहीं हुआ तो हिजाब का मामला चालू किया। वो बड़ी रिसर्च करके हमें जहां तकलीफ होती है वहां हमें छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा कुर्बानी का मसला है तो आप देखेंगे कि जैसे ईद पास में आते हैं जैसे कुर्बानी का वक्त हमारा कुर्बानी देने का वक्त पास में आता है ये लोग शरारत करते बड़ा भी जाए। हम सोच के समझ के हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को कोई मौका ना दे हमारे बच्चों को हमारे बुजुर्गों को हमारे तिजावत करने वाले बैठे हैं उनको तरतीब दे। किसी वजह की परेशानी हो जैसे विनोद भाई ने कहा कि अब वक्त आपस के ना इत्तेफाकी बोलना है हमारी सियासत की ना इत्तेफाकी हो मतलब की ना इत्तेफाकी हो तिजारत की ना इत्तेफाकी हो या और चीज की आपस में जो होती है। जैसे हमें सिखाया गया है जिसे बताया गया है जिसे हुक्म दिया गया है कि हम खंधे से खंधा लगा के पांच टाइम नमाज पढ़े तो ये सब खंधे से खंधा लगाना सिर्फ नमाज के लिए नहीं है पूरी कौम खंधे से खंधा लगा के हर वक्त रहने का हुक्म है। और जब तक हम खंधे से खंधा लगा के नहीं रहते नहीं मिलके रहते नहीं एक होके दिखाते तब तक हमारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। हमें सब बोलना होगा सियासत हो या कोई इदारे के सदर हो या कोई मुतकली हो इसके लिए अगर मेरे से और मेरे भाई से कुछ नाइंसाफी पानी हो रही है तो बैठ के बात करें और ज्यादा से ज्यादा हो तो
बड़ों को साथ में देखे हैं, बड़ों को बिठाए और ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुर्बानी कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, बाजार वगैरह जा रहे हैं, वो इतिहास से कायदे के हिसाब से जो कहा गया है वही जानवर को खरीदी करे, क्योंकि अगर कुछ गलत जानवर खरीदी करेंगे मोटा मोटी हो जाएगा तो आगे तमाम वो लोग सीज कर देंगे, कुछ भी हम लोग करने को नहीं देंगे। इसी तरह से मैं मेरे देवाली भाइयों से भी ये कहूंगा कि जानवर जो है सिर्फ जो कायदे में बैठता है वही सा ही जानवर खरीदी करें और बहुत बहुत एहतियात से काम करें, हिफाजत करें, किसी को कुछ तकलीफ न दे। और मैं तमाम मैं मैनेजमेंट के भी अंजुमन से गुजारिश करता हूँ इस्तेमाल कुर्बानी करने वाले उन इदारों को और सिटी के व्यापारियों को और जहाँ के व्यापारियों को एक पर्सनल मीटिंग लेकर छोटी सी मीटिंग लेकर उनको पूरा कायदा कानून हमको समझाना चाहिए। उनकी तबीयत बात में उनको एहतियात नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। कल क्या हुआ था, उन्होंने बहुत एहतियात करना चाहते थे, बजाने में आए थे माल मिला सस्ता माल बिल्कुल नहीं लगे